मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य शेरगढ़ में हमारे न्यूज चैनल की टीम ने कोरोना वायरस के चलते हुए डॉक्टर अभिजीत शर्मा से कोरोना वायरस के बचाव के बारे में जानकारी ली गई और डॉक्टर ने हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बचाव के लिए सबसे मुख्य बचाव है कि सभी व्यक्ति भीड़ में जाने से बचे और दिन में कम से कम 5 बार हाथ धोएं और मास्क लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर लेकिन सामने वाले व्यक्ति से बात करते वक्त कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखे और कोरोना पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में न आए। कोरोना वायरस एक ऐसी घातक बीमारी है जो खांसते वक्त यह सामने वाले व्यक्ति के लग जाती है। कोरोना वायरस के लिए अभी जो हमें सरकार से आदेश मिले हैं वो ये है कि 31 तारीख तक हमको जो भी गैर जरूरी ओपीडी है वो सब बंद कर देनी है, सिर्फ इमरजेंसी ओपीडी और जो कोरोना वायरस के जिनमें लक्षण हैं जैसे कि खांसी, बुखार, शरीर में दर्द और जुकाम होना, यही जो चीज़ है इन्हीं की ओपीडी हमें मेनली करनी है। इसमें इन सब ओपीडीज में हमें उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब वो कहीं बाहर गए हैं या ऐसे किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं जिनसे जिनको कोरोना पॉजिटिव है उनकी हिस्ट्री लेनी है। अगर ऐसी हमें कोई पॉजिटिव हिस्ट्री आती है तो हम अपने यहाँ से एक फॉर्म भरकर उस फॉर्म को और वो उस फॉर्म को भरकर हम सीएमओ ऑफिस पहुँचाएंगे और वो जो और एक कंट्रोल नंबर पे एक फ़ोन करके उनकी जानकारी हमें सीएमओ ऑफिस को देनी है जहाँ से फिर टीम आएगी जांच के लिए। सर सावधानी बता दीजिए जो कि सर कोरोना वायरस के चलते ये जो आने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए सर ऐसा सावधानी बता दीजिए कि ऐसा क्या क्या सावधानी। देखिए कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप ऐसे किसी भी पेशेंट जिसको कोरोना वायरस हो उसके संपर्क में ना आए। अब आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि किस आदमी को कोरोना वायरस नहीं है आपको कैसे पता चलेगा, तो ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। इसका एकमात्र जो है जो हमारी सरकार भी जो कदम उठा रही है वो यही है कि आप अपने आप को भीड़ में ना ले जाएं, ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो। और अस्पताल अगर आपको ज़रूरत नहीं है और तो बिल्कुल पब्लिक प्लेसेस पर या सामान्य जगह जाने से बचें इसको, और बार बार अपने हाथ धोएं, यही एक तरीका है। क्योंकि कोरोना वायरस सांस से तो फैलता ही है लेकिन उसकी वजह से जब कोई आदमी जिसको कोरोना पॉजिटिव है अगर वो छींकता है तो आसपास के जो भी सामान है उसके ऊपर भी कोरोना वायरस आ जाता है। तो हमें यही करना है कि हमें किसी भी सरफेस को छूने से बचना है और बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करें, कई बार अपने हाथ धोएं और मास्क लगाने की इनफैक्ट इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी सामान्य लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखते हैं तो ये जो कोरोना वायरस का जो वायरस है ये छींकने की वजह से जो एरोसॉल बनता है उसके वजह से स्प्रेड होता है, वो एरोसॉल कंपेरेटिवली भारी होता है तो वो सरफेस पर गिर जाता है, वो 1 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाता है, ट्रैवल नहीं करता है। तो अगर आप एक सामान्य दूरी बनाए रखेंगे और भीड़ में ना जाएं, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तो ये आप इससे पूरी तरीके से बच सकते हैं। ये सर आपके हॉस्पिटल में सर ये जैसे कि देखा गया है कि ऐसे पेशेंटों के लिए हाथ धोने के भी लिए आपके हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, सर उसके लिए क्या करना है? पेशेंटों का हाथ धोने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। हमें जो आदेश आए हैं वो सिर्फ ये है कि पेशेंट का पर्चा ना बनवाएं, फिर हम जो पर्चा बनाएं, इसीलिए मैं हम लोग को बाहर ओपीडी लगाने के निर्देश दिए गए कि आप पर्चा बनवाएं, पर्चा मेरे पास आएगा और फिर पर्चा सीधे फार्मासिस्ट के पास जाएगा और डायरेक्ट जाकर उनको दवा मिलेगी। हमारे अस्पताल में किसी भी तरीके से पेशेंट जो ऐसे पेशेंट हैं उनका किसी भी चीज़ से कॉन्टैक्ट नहीं होना है, हमें यही निर्देश दिया है।